नमस्कार। पिछले साल दिसंबर के महीने में हम लोगों ने दिल्ली की योगशाला नाम का कार्यक्रम शुरू किया था। दिल्ली में हमने लोगों की इलाज के लिए अगर कोई बीमार हो जाए तो दिल्ली में शानदार स्वास्थ्य सेवाओं का इंतजाम किया है। चारों तरफ मोहल्ला क्लिनिक खोले हैं। दिल्ली के सरकारी अस्पताल जो कि पहले बहुत बुरे हालत में होते थे, उन सारे सरकारी अस्पतालों को बहुत शानदार बनाया गया है। सारी दवाइयां मुफ्त हैं, सारे टेस्ट मुफ्त हैं, सारा इलाज मुफ्त है। लेकिन हमें लगता है कि किसी को इलाज की ज़रूरत ही क्यों पड़े। हमें जनता को स्वस्थ रखना है, हमें जनता को हेल्दी रखना है। और जनता स्वस्थ रहेगी अगर रोज़ लोग योगा करेंगे, प्राणायाम करेंगे, तो जनता को बीमारियाँ ही नहीं होंगी। उस मकसद से दिसंबर 2021 में दिल्ली की योगशाला नाम का कार्यक्रम शुरू किया गया था, जिसमें दिल्ली के अलग अलग इलाकों में, पार्कों में और जगह कहीं भी 25 से ज़्यादा लोग अगर इकट्ठे होकर दिल्ली सरकार को एक मिस्ड कॉल मारें तो दिल्ली सरकार एक टीचर भेजती है और वो टीचर फ्री में भेजती है, सारा इंतजाम करती है दिल्ली सरकार और लोगों को फ्री में योगा करवाती है, डेली सिखाती भी है और करवाती भी है। पिछले 11 महीने से ये बहुत शानदार चल रहा था दिल्ली की योगशाला। लगभग 590 स्थानों पे क्लासेस डेली चलती थी योगा की और इनमें 17,000 के करीब बेनिफिशरीज आ रहे थे डेली। हमारा मकसद था इसको 17,000 से भी और बहुत आगे ले जाना। नया नया कार्यक्रम था लेकिन बहुत तेज़ी से बढ़ रहा था, लोग बहुत खुश थे। इन 17,000 में कई ऐसे लोग थे जो कि पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशंस से जूझ रहे थे, उनके लंग्स में जो भी कॉम्प्लिकेशंस थी। तो 10-11 हज़ार लोग ऐसे थे जो कि पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशन से जूझ रहे थे, उन्हें बहुत फ़ायदा हो रहा था। मुझे बेहद दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि इन लोगों ने मिलके आज से योगा क्लासेस बंद कर दी हैं दिल्ली के अंदर। आज सुबह दिल्ली के अंदर योगा क्लासेस नहीं हुई। जो ये फ्री योगा क्लासेस होती थी, आज सुबह से दिल्ली के अंदर ये योगा क्लासेस नहीं हुई। तो 17,000 बेनिफिशरीज जो थे वो योगा करने से रह गए। जो लोग बीमार थे, अस्थमा से बीमार थे, पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशन से बीमार थे, वो आज योगा करने से रह गए। और आज के बाद से इन्होंने कहा है कि योगा क्लासेस नहीं होंगे। ये बहुत ही दुख की बात है, बेहद दुख की बात है। योगा कौन बंद करता है? पहली बार सुना होगा कि इतना अच्छा, लोगों की सेहत के लिए इतना अच्छा कार्यक्रम था और उसे सत्ता के नशे में, अहंकार के नशे में इन लोगों ने, केवल पेटी पॉलिटिक्स के चलते इन्होंने इसको बंद कर दिया। जब से ये खबर, पिछले कुछ दिनों से समाचार ये चल रहा है कि योगा की क्लासेस बंद होने वाली है, योगा क्लासेस बंद होने वाली है, लोगों में बहुत गुस्सा है इसको लेके, बहुत ज़्यादा। और आज जब अखबारों में छपा कि ये योगा क्लासेस बंद होने वाली हैं, मेरे पास कई टीचर्स के फ़ोन आए जो टीचर्स ये क्लासेस लेते हैं। उन टीचर्स ने कहा कि सर क्लासेस बंद नहीं होनी चाहिए, हम क्लासेस करेंगे, हम पेमेंट नहीं लेंगे, हम बिना पेमेंट के क्लासेस करेंगे। मेरे पास देश भर से कई लोगों के फ़ोन आए कि सर हम डोनेशन देंगे, हम क्लासेस, जो टीचर्स हैं उनकी तनख्वाह हम देंगे, पर आप क्लासेस मत रोकिएगा, योगा क्लासेस मत रोकिएगा। जिस किस्म से, जिस तरह से लोगों का समर्थन मिल रहा है इस पूरे योगा के प्रोग्राम को, मैं उसके लिए काफ़ी, मैं सबका शुक्रिया अदा करता हूं। तो मैं आज ये ऐलान करना चाहता हूं कि योगा क्लासेस बंद नहीं होंगी, योगा बंद नहीं होगा। ये लोग अपने सत्ता के अहंकार में कानून का दुरुपयोग करके, अफसरों को डरा धमका के, एडमिनिस्ट्रेशन का गलत दुरुपयोग करके, ये चाहे सरकार का समर्थन वापस ले लें, लेकिन दिल्ली के 2 करोड़ लोग मिलके इन योगा क्लासेस को करवाएंगे, ये योगा क्लासेस जारी रहेंगी। मेरी सभी टीचर्स से अपील है कि आप योगा क्लासेस में कल से जाइए, आप योगा क्लासेस लीजिए। मुझे अगर घर घर जाके भीख भी मांगनी पड़ेगी कटोरा लेके, मैं खुद जाके भीख मांगूंगा लोगों से और आपकी